हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी और प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे ये बिस्किट। खास बात ये है कि इन बिस्किट्स को बनाने के लिए हमें कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर हम घी या बटर भी यूज़ नहीं करेंगे, साथ में ही इसे हम बेक भी नहीं करेंगे। और ये जो बिस्किट है बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे मार्केट में मिलने वाले बिस्किट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाते हैं। तो इन बिस्किट्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल लेनी है। इसके अंदर हम डालेंगे 3/4 कप चीनी, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम इसमें हम चीनी डालेंगे। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। बस अब इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हम लेंगे प्रांत या कोई बड़ा बर्तन, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये सिंपल वही आटा जिससे हम रोज डेली रोटियां बनाते हैं। और इसके बाद 1 कप ही इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन बिस्किट को सिर्फ आटे के साथ बना सकते हैं या सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे उसी हिसाब से आप गेहूं या फिर मैदा यूज़ कर लें। अब 1/2 कप इसके अंदर डाल देंगे हम बिल्कुल बारीक वाली सूजी। मोटी वाली सूजी है तो एक बार आप उसे मिक्सी में चलाकर पीस लें थोड़ा सा। इससे जो हमारे बिस्किट हैं उसका टेक्स्चर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे मार्केट में मिलने वाले बिस्किट्स का होता है। अब 2 टीस्पून हम ऐड कर देंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। तो फ्रेंड्स, नारियल का बुरादा डालने से बिस्किट का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर डालेंगे, साथ में 1 पिंच ऐड कर देंगे नमक। तो फ्रेंड्स, नमक डालने का फ़ायदा ही होता है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा चीनी यूज़ करेंगे तो ये जो मीठापन होता है ना बिस्किट का, उसको ये काफ़ी हद तक बैलेंस कर देगा। तो बस एक बार सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में जैसे मैंने पहले बताया था, हम कोई भी बटर घी यूज़ नहीं करेंगे, पर फिर भी जो हमारे बिस्किट है बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, यानी 1/2 कप से थोड़ा सा कम इसमें हमें रिफाइंड ऑयल डालना है। फिर भी आप रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह फिर आप बटर या घी यूज़ कर लें। तो बस ऑयल डालने के बाद अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से मसल लेंगे। ऐसा करने से जो ऑयल हमने डाला है और जो बाकी की चीज़ें डाली है वो सारी जो है ना आटे के दाने दाने तक लग जाएगी, जिससे हमारे जो बिस्किट है वो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो जो हमने मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आटे की मुट्ठी बन रही है, यानी जो हमने मोयन डाला वो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी अगर इस स्टेज पर मुट्ठी नहीं बनती आपके आटे की तो आप यहाँ 1/2 छोटी चम्मच ऑयल को ऐड कर सकते हैं। तो बस लास्ट में इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी और चीनी का घोल। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसकी जगह हम पाउडर भी तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल पानी और चीनी ही हमने क्यों यूज़ की है। वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो बिस्किट्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीनी सी लगी होती है, वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमारे जो ये बिस्किट है ना बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होंगे, जो देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस पानी और चीनी डालने के बाद इसका एक मीडियम टाइट आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इसे हमें गूंथना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको इकट्ठा करना है। ये जितना क्रम्बली होगा हमारे जो बिस्किट होते हैं उसके अंदर उतनी ही लेयर बनेंगी, जिसकी वजह से वो अंदर तक सिकेंगे और बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने आटे को गूंथा नहीं है, सिर्फ मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ। बस इसी तरीके का हमें इस आटे को तैयार करके रखना है। अभी ये हल्का सा क्रम्बली भी है। अब इसके बाद इस आटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 पार्ट को हम अच्छे से कपड़े के साथ कवर कर देंगे ताकि इसकी ऊपर की लेयर सूखे नहीं, और जो ये पार्ट है इसकी हम एक लोई बना लेंगे। इस लोई को हम थोड़ा सा इस तरीके से फ्लैट करेंगे और इसके बाद बेलन से एक बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे। रोटी की जो मोटाई है वो हमें मीडियम थिकनेस की रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए रोटी और ना ही बिल्कुल पतली। तो रोटी को बेलने के बाद अब हम नाइफ से इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा आटा हमने कट किया है इसे हम बाकी के आटे में डाल देंगे और इसके बाद में बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें एक बड़े साइज का स्क्वायर मिल गया है। अब हम नाइफ से फिर से इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से इसमें कट लगा लेंगे। तो ये हमें बड़े साइज में से करीबन 9 साइज के जो है स्क्वायर मिल गए हैं। अब इसमें से हम एक पीस लेंगे और नाइफ से हल्का सा प्रेशर देके इसमें इस तरीके से लाइन बनाएंगे। देखिए,
है ना। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड्स, बहुत आराम से आप इसे बना लेंगे और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो बस अब इसी तरीके से हम दूसरा बिस्किट बना लेंगे। नाइफ से हल्का सा प्रेशर देंगे और इस तरीके से एक एक करके इस पूरे बिस्किट पर लाइन बनाएंगे और साइडों से नाइफ से थोड़ा सा इसको जो है क्लीन कर लेंगे ताकि बिस्किट बिल्कुल क्लीन लगे साइडों से भी। तो बस इसी तरीके से हम सारे बिस्किट जो है ये तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से सारे जो बिस्किट्स हैं ये तैयार कर लिए हैं। अब इन बिस्किट्स को हम बेक नहीं करेंगे, आज हम इन बिस्किट्स को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी ये तेल हल्का हल्का गर्म हो गया है। तो बस हल्के गर्म तेल में हम एक एक करके ये जो बिस्किट्स हैं डाल देंगे और इन्हें डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे और 4 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। इस बीच में इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब इनकी हल्की सी ऊपर की लेयर फ्राई हो जाए उसके बाद हम चम्मच से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद फिर से हम इसको करीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से सिकने देंगे और उसके बाद फिर से हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। तो बस इन्हें उलटते पलटते हुए हमें जब तक फ्राई करना है, जब तक इनमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर नज़र नहीं आ जाता। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, धीमी आंच पर ही इन बिस्किट्स को हमें फ्राई करना है, तो ही हमारे जो बिस्किट हो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बिस्किट्स में काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, इसको हम किसी भी टिश्यू पेपर पे या छलनी में निकाल लेंगे ताकि जो उनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और इसी तरीके से हम बाकी के बिस्किट फ्राई कर लेंगे। पर दूसरा बैच फ्राई करने से पहले फ्रेंड्स हमें तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो करना है। जब हल्का सा गर्म हो तेल उसके बाद ही हमें एक एक करके ये बिस्किट्स इसके अंदर डालने हैं। बिस्किट डालने के बाद फिर से धीमी आँच पर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे और फिर उसके बाद पलटेंगे। तो फ्रेंड्स है ना बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसको बनाने का। तो आई होप अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर रेसिपी पर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। साथ में ऐसी ही सिंपल और प्यारी सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा बैच भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे बिस्किट फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से सारे जो बिस्किट्स हैं ये फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बिस्किट देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनका लुक बिल्कुल वैसा ही आया है जैसे मार्केट में मिलने वाले बिस्किट्स का होता है और टेस्ट उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया। तो ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।